सूरजपुर के समानुज नगर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक और दो अन्य अधिकारियों के विरुद्ध लेन देन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी कि बैंक के शाखा प्रबंधक और अधिकारी ग्रामीणों का लोन पास करने के बाद उनके खाते से आधे से ज्यादा लोन की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ शुरू कर दी है, साथ ही सभी आरोपियों के बैंक खाते भी सील कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में आरोपियों की तादाद बढ़ सकती है। उनका अमाउंट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आहरित कर लिया गया था, तो इस पे जांच की गई थी और उसमें थाना रामानुज नगर में 420, 467, 471 इसका अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, अभिषेक मंडल की। शेष जो बैंक मैनेजर है, एक अन्य लिपिक है, वो फरार। और पूरे देश